देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सरकारी विद्यालय से सामने आया लूट खसोट का मामला। सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सरकार को लगाया लगभग 87 लाख का चूना। सामानों से डबल पैसों का बना रहा था बिल। 50,000 रुपए लेकर स्कूल में नौकरी लगवाने की कर रहा था बात। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं मई 2016 में जहांगीरपुरी गर्ल स्कूल में फर्स्ट शिफ्ट में के ब्लॉक में एज ए स्टेडेंट मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था जी। और उस टाइम पर मेरे को बड़ी खुशी मिली थी कि एक अच्छी एक पढ़े लिखे समाज में मेरे को नौकरी मिली है जी। मेरे बड़ी खुशी हुई थी। सर इतनी उम्र के अंदर वहाँ आपको नौकरी मिली है, उसका कारण क्या था? सर ये एक गवर्नमेंट ने कोई मिनिस्टर सिसोदिया साहब ने हमारी गवर्नमेंट ने एक कोई लेटर निकाला था कि जो स्टेट मैनेजर लगाए जाएंगे जी जी। वो भूतपूर्व ज्यादातर सैनिकों ही लगाया जाएगा जी जी। और उसकी उम्र भी उन्होंने 65 साल रखी है कि एक स्टेट मैनेजर 65 साल तक रह सकता है जी। ऐसे रखा था। मई 2016 में लगा था, मेरे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जा रहा हूँ और अच्छा काम करूँगा। और वहाँ जो स्टाफ था वो भी बड़ा खुश था जी। कि एक फौजी अफसर तुम्हारे पास आया, अच्छा काम करेगा। और किया भी मैंने बहुत काम वहाँ पे। पानी नहीं था, बिजली के बिल भी नहीं थे, था ही नहीं कुछ भी, सफाई थी ही नहीं, मतलब जो भी स्कूल को काम चाहिए था वो आपने किया। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पर खुद से, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी खास, देखो ये क्या चीज़ है, ये देखो डस्ट है, डस्ट जो स्कूल में डस्ट लगाया है उसकी कीमत लगा रखी है इसमें जी। डस्ट की कीमत सितंबर 2019 में 1 स्क्वायर फुट की 70 रुपये, 1 स्क्वायर फुट की 70 रुपये। और रेती भी 1 स्क्वायर फुट की 70 रुपये, जबकि डस्ट काले डस्ट का रेट था उस टाइम पर 32 रुपये और रेत का रेट था 22 रुपये पर स्क्वायर फुट। देखो कितना भ्रष्टाचार इसमें। तो क्या आपने इसका विरोध किया या नहीं किया? ये मैंने श्रीमती बेला जैन को बताया था कि मैडम ये रेट बिल्कुल गलत है जी। हालांकि फिर उसने समझा दो, उन्होंने बताया साहब ठीक है रख दो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं मानी वो जी। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा इशारा करा कि साहब कोई बात नहीं, थोड़ा हा खर्चा पानी आप भी निकाल लिया करो जी। फिर क्या हुआ, देखो छोटा हा फ्रेम है ये 1.5x1 का, 1.5x1 का स्कूल के अंदर जो फ्रेम वो है, हाँ जो शिविर है छोटे छोटे शिविर है 1,650 रुपये 1,600 रुपये 1x1.5 का फ्रेम है जिसकी कीमत, हाँ दो एक कहीं जगह 2x2 का है, कहीं 1x1.5 का है जी। लोहे का लेकिन कीमत 1,600 रुपये, जबकि इसकी बाजार कीमत मैंने मालूम की थी 450 रुपये। हद तो तब होगी साहब, देखिए ये सामान, ये ट्यूबलाइट आई ही नहीं, और इन्हीं ट्यूबलाइटों पे देखिए, इन्हीं ट्यूबलाइटों पे मेरा नोटिस थमा दिया, मतलब वो ट्यूबलाइट नहीं आई, उसका बिल बना दिया गया और उसके लिए नोटिस आपको थमा दिया गया। हाँ बिल्कुल, कि आपने उसका विरोध किया है। मैंने कहा था मैडम ये ट्यूबलाइट नहीं आई जी, और इसमें रेट भी गलत लगा रखा है जी। मैंने विरोध किया था, इनकार किया था, ये पैसा मैंने ये भी कहा था ये पैसा देना है मत आप इसको ठेकेदार को, जब ये सामान आया ही नहीं जी। उन्होंने मेरे को नोटिस थमा दिया जी, कि आपने ये क्यों मंगाया। अच्छा देखिए फिर मेरा जवाब, 28 तारीख को उन्होंने नोटिस दिया था, 28 को मैंने जवाब दे दिया, आपने तुरंत जवाब दे दिया, दस मिनट में जवाब दे दिया। मैंने जवाब दिया देखो कि मैडम मैंने ये ना तो ये सामान आया हाँ। आप मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने यही बताया था पैसे मत देना, बिल देना ही मत, लेकिन देखो जी ठीक। फिर उन्होंने मेरे को हरासमेंट करना शुरू कर दिया। अच्छा इसकी अवैध में कि ये यहाँ पर आने नहीं देगा या भ्रष्टाचार, इनको ये उनको ये पता लगा ये आदमी खुद तो लेगा नहीं जी, नहीं लेगा तो खाने भी नहीं देगा जी। अरे मैं देखो पोस्ट है मेरी स्टेट मैनेजिंग, मैं केयर टेकर हूँ वहाँ का जी जी। और हम फौजी आदमी साहब न तो रिश्वत लेते हैं न देते हैं जी, और अपना काम पूरा करते हैं साहब जी, काम पूरे से भी ज्यादा करते हैं जी जी। मैंने सुबह से शाम तक ड्यूटी करी है, सुबह की भी करी है, शाम को भी करी है जी।
मैंने ड्यूटी सुबह के स्कूल में भी करी है, शाम को भी स्कूल में करी है, क्योंकि 3 महीने वहाँ स्टेट मैनेजर नहीं था वहाँ पे जी। तो इसलिए मैंने सुबह 12-12 घंटे ड्यूटी करी है जी। अच्छा फिर हाँ, दोनों शिफ्टों में आपने बिल्कुल की है, क्यों स्टेट मैनेजर नहीं था उनका? ये बात आप इवनिंग वाले स्टेट मैनेजर अहमद साहब से ही पूछ सकते हैं। मैंने ड्यूटी वहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ एजेंसी के मेंबर ने हमें बताया भी है कि ये काबिले तारीफ रहे हैं स्टेट मैनेजर साहब, ये बताया ये बताया। अच्छा देखिए साहब, ये लॉकडाउन के दौरान मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया कि आप लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पाओगे, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि 60 साल से सीनियर सिटीजन तो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं जी। और आपको फिर भी बुलाना शुरू कर दिया। अरे मैंने पूरा ऑर्डर माना एज ए फौजी ठीक, पूरी ड्यूटी की मैंने ठीक। फिर क्या हुआ, मैडम ने 14 मई को मेरे को बताया कि साहब मेरी सासू बीमार रहती है जी, खर्चा काफ़ी हो जाता है जी, आप मेरे को 50,000 रुपये दे दो जी, 16 तारीख को आपका रिन्यू होना है। तो मैंने बताया कि मैडम अभी तो मेरे पास नहीं है, 17-18 तारीख को मैं दे दूंगा आपको। मैंने देने नहीं थे, मैंने वैसे ये था कि मेरा रिन्यू हो जाएगा जी। 18 तारीख तो पैसे मिले नहीं, 19 तारीख को मेरे को बता दिया आप नहीं आएंगे, जबकि 19 तारीख मैंने ड्यूटी की है जी। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, मैंने स्कूल के अंदर इतना काम किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था, सभी टीचर से पूछ लो आप, सारे टीचर सुबह के इवनिंग के सारी जो लड़कियां भी थे ना, लड़कियां भी अंकल फौजी अंकल कहती थी, बड़ा डर था मेरे को सभी टीचरों से। फिर देखिए हटाने बाद भी ये पैसा मेरा अभी भी नहीं दिया उन्होंने, यानी ये पैसा, ये किस चीज़ का पैसा बताएंगे आप? देखो एक तो टंकी साफ कराई थी मैंने जी, अरे 19 तारीख तक ड्यूटी की मैंने जी, 19 मई तक जी, और फिर इलेक्शन कमीशन के फार्म भरे थे 2019 नवंबर में, इलेक्शन कमीशन के फार्म कार्ड बनवाने के लिए जी, उसको इलेक्शन कमीशन पैसे देता है जी, वो भी नहीं दिए जी। और हद तो बोगी साहब, जब अभी मैं स्कूल में गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि मैडम ने बताया है कि स्टेट मैनेजर को अंदर आता है तो अंदर मत आने देना जी। तो मेरे को तो बड़ा रोना आया उस बात पे जी। एक फौजी अफसर के साथ ऐसा व्यवहार होता है क्या जी। तो देखो फिर पहले भी मैंने एक और लिखा था सबको, मैंने देखो मैंने पहले भी लिखा था, ये 25 मार्च को भी लिखा है मैंने, ये देखो 25 मार्च को सीएम साहब को भी, डिप्टी साहब को भी, डायरेक्टर को, डीडी सबको उसके भ्रष्टाचार का मैंने पूरे कागज के साथ भेजा था। कौन सी तारीख को भेजा था? ये भेजा था 25 मार्च को ही भेजा था मैंने, 25 सॉरी 25 फरवरी को, 25 फरवरी को ही आपने? हाँ सब जगह भेजे थे मैंने, सब जगह भेजे। अभी कोई एक्शन नहीं लिया कहीं से भी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, 5 महीने हो गए जी। सिसोदिया साहब को ईमेल किया था कि साहब मेरी नौकरी बचाई जाए लॉकडाउन में, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, ये मैंने सिसोदिया साहब को लिखा है जी। ये सिसोदिया साहब का जवाब भी है जिस पर सिसोदिया साहब ने विनय भूषण जी को लिख भी दिया। जी। और मैंने एप्लीकेशन में सिसोदिया साहब को ये बताया था कि साहब हम पावर में जो हम आम आदमी पार्टी, मैं आदमी पार्टी के साथ वैसे मेंबर भी लोहित प्रकाश से वोट सीओ दिया था, मैंने ये बताया था साहब हम पावर में इसलिए आए हैं कि हम भ्रष्टाचार को नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़नी है, हम पावर में इसलिए आए थे। लेकिन यह तो जितना भ्रष्टाचार हुआ है, यह तो पुलिस और एनसीडी से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो नहीं तो आप देख लो, 7.5 लाख पैसा मिलता है, SMC का पैसा आता है, 7.5 हज़ार ये खर्च होता है, बाकी गोद में जाता है जी। नहीं तो आप जाकर देख लो जी। तो मैं तो यही कहूँगा अगर कोई मेरे, आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि 87 लाख रुपया यहाँ फंड के लिए आया हुआ है, वो क्या मामला? 87 लाख रुपये फंड आया था बिंग ए और सी को रिनोवेशन के लिए, इसी स्कूल के अंदर, इसी स्कूल के बिंग ए और सी को रिनोवेशन के लिए आया था, 87 लाख रुपये आया था। तो उसमें से कोई कुछ पैसा खर्च हुआ भी है या नहीं हुआ? अच्छा इन्होंने क्या किया, कुछ तो पैसा खर्च कर दिया, काम पूरा हुआ नहीं जी, काम पूरा नहीं हुआ, आप जाकर देख लो जी। रूम नंबर 12, 13, 14 में देख लो, खिड़की नहीं चेंज हुई है जी, ऐसी कैसे टूटी पड़ी है, कहीं घिसाई नहीं है,
कोई छत रिपेयर नहीं है, जाकर देख लो आप रूम नंबर 29 में देख लो। क्या क्या वो ये काम बंद दिखा चुके हैं, काम पूरा होता दिखा चुके हैं? बिल्कुल, ठेकेदार ने ये मेरे को बताया कि हमारा काम पूरा हो गया, और जबकि मैंने कहा था काम पूरा नहीं हुआ। भाई साहब आप वहाँ के केयर टेकर हैं और आपने बताया था कि काम पूरा नहीं हुआ जी। फिर मैंने इनको काफी लेटर लिखे हैं वैसे PWD को जी। एक लेटर PWD को फिर लिखा जी, लेकिन मैडम ने ये कह के साइन करने से मना कर दिया कि लेटर नहीं लिखना, बंद कर दो, आप लेटर बहुत लिखते हो। ये किसने कहा था? ये श्रीमती बेला जैन जी ने ये लेटर लिखने के लिए भी मना कर दिया। अरे साहब बस मैं तो बहुत परेशान होगा सबसे पूछो, इतना काम किया है मैंने और इतनी बेइज्जती हुई है मेरी वहाँ पे जी। क्या किसी को निकल कर ऐसे फेंक देंगे क्या आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, हमारी जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट से, मिस्टर सिसोदिया साहब से, अगर आपने फौजियों को लगाना है तो उसको इज्जत से लगाओ। हम बेइज्जती हम बेइज्जती किसी की सहन नहीं करेंगे जी। हम न रिश्वत लेते हैं न देते हैं, अपना काम बहुत बढ़िया।